Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel Unique Ideas. I hope you will be fine. आज मैं आपके लिए बुक्स रेडी करने के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ. ट्यूटोरियल है जो कि इसमें दिखाया गया है जैसे हम ड्रेसिंग टेबल पर हमें ज़रूरत होती है पिंस वगैरह, बच्चों की पिंस होती हैं या अपनी भी होती हैं, गर्ल्स की काफ़ी चीज़ें होती हैं वो डेकोरेट करने के लिए कि उनको कैसे रखा जाए. वैसे भी बहुत सी लड़कियाँ क्रिएटिव होती हैं तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें शायद इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं ये आपके लिए स्पेशल लेकर आई हूँ. देखिए यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रोसेस के बाद ये आपको दिख रहा होगा, मैंने बार बार ये रिव्यू किया है कि क्या क्या करना है. तो देख लें यहाँ पर हम फोल्ड कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको अंदर की तरफ ना फोल्ड करेंगे. तो जब अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो थोड़ी मुश्किल पेश आती है, लाइक यहाँ पर ना ये ख़राब होने का डर होता है, मगर आपने इंतहाई एहतियात से इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है. ये बहुत मुश्किल से फ़ोल्ड होता है, अच्छी तरह कर लीजिएगा प्लीज़, इसको ख़राब ना होने दीजिएगा. अभी यहाँ पर आपका बॉक्स तैयार है मगर एक स्ट्रैप इसका अभी रहता है तो अंदर से देखें. लेकिन ये जो बाहर है ना इसको भी जो सेट करना है ना ये मुश्किल होता है, तो आपको पहले ना ऐसे करना होगा, पहले इसकी शेप बनानी पड़ेगी आपको कि ये शेप बॉक्स की तरह बन रही है. इसके यानी इसके ऐसे करना कि चारों तरफ इसको स्क्वायर की शक्ल में करके देखना, फिर आपको इजी हो जाएगा कि इसको कैसे मोड़ना है. और अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा आपको ये कर दिखा दूँगी कि किस तरह करना है. मैंने इसमें बहुत कोशिश की है. अभी ये बॉक्स रेडी हुआ है, अभी इसमें डेकोरेशन भी काफ़ी करनी है तो आप आगे आगे देखें प्लीज़. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. अगर आपको किसी और का ट्यूटोरियल चाहिए, आइडियाज़ चाहिए तो आप मेरे आप कमेंट करके कह सकते हैं तो मैं वो वीडियो अपलोड करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी. ये देखें नीचे की तरफ अभी जो रह गया है यहाँ पर आप टेप भी लगा सकती हैं. अगर नहीं आप नहीं लगाना चाहती, अगर आपके पास कोई चीज़ है इसके मुतबादिल तो आप वो भी लगा सकती हैं. आप यहाँ पर स्टेपलर भी लगा सकती हैं, उसे भी काफ़ी अच्छा सेट हो जाता है. तो मैंने बाद में लगाया है स्टेपलर क्योंकि मुझसे ये सेट नहीं हो रहा था और मैंने इसके मुतबादिल भी चीज़ इस्तेमाल किया है. तो इन दोनों कलर्स में से मुझे ब्लू ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ब्लू की स्ट्रिप्स कटिंग कर ली हैं इसके मुताबिक. तो यह मैं कटिंग कर रही हूँ, आप देख लें. नाउ स्ट्रिप्स अब कट चुकी हैं तो अब मैंने इन पर पेस्ट करना है, लगाना है. तो आप देखते जाएं आगे आगे, आप प्लीज़ इस पर गम स्ट्रिक्स या गम का इस्तेमाल करते हुए लगाइएगा, ऐसे मत लगाइएगा, ये ऐसे सही नहीं रहता टेप से तो बिल्कुल भी नहीं. तो अब मैंने एक न्यू कलर लिया है, उसमें आपने हार्ट शेप में ये काट लेना है. और प्लीज़ अगर जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो मगर चेंज हो और ऐसा वैसा कलर ना हो, कलर कम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा प्लीज़, रिसेंट हो. सो अब मैंने एक छोटी सी लेस का इस्तेमाल किया है, ये भी काफ़ी प्यारी लग रही है, मुझे लगा मैं क्यों ना इस्तेमाल कर लूँ. पहले मैंने नाप लिया है और अब मैं इस पर स्टेपलर करूँगी, मैं दो बार पिन लगाऊँगी. अगर आप स्टेपलर अवेलेबल नहीं है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्लाइड भी कर सकते हैं, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना. तो जो आपको बेस्ट लगे वो आप वही करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि लेस खूबसूरत हो, ठीक है, फैंसी हो थोड़ी सी, बिल्कुल सादी ना हो. हाँ, मैंने अब ये जो कटिंग की थी दिल की ये मैंने लगा दी, आप देख लें. अब मैं इसमें डालूँगी ज्वेलरी जो कि हमने असल जिस मकसद के लिए इसको बनाया है, असल ये भी नहीं है कि यही मकसद हो, आप किसी भी चीज़ के लिए इसको बना सकते हैं. जैसे गिफ्ट देते हैं जब तो उसके अंदर जैसे पैक करते हैं बॉक्स के अंदर बॉक्स बॉक्स के अंदर बॉक्स, वो उसके लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटे से गिफ्ट के लिए जैसे होता है.